सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेनरॉन टेक को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेनरॉन टेक पर और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील मालविया। सो आज हम सीखेंगे फोटोशॉप के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में और आज का जो लेक्चर है वो है हमारे लेयर्स के ऊपर, यानी कि फोटोशॉप में एक पैनल है जिसे हम कहते हैं लेयर पैनल और उसका क्या यूज़ है, क्या यूजिबिलिटी है, क्या खासियत है। और एक बात बता दूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है इस फोटोशॉप के लेक्चर में। सो आइए इस चीज़ को अच्छी तरह से समझें कि लेयर पैनल एक्चुअली क्या होता है और किस तरह से आप इसके यूजिबिलिटी से बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक पेज। सो हम जाएंगे क्रिएट न्यू, यहाँ पर आप चाहे तो कोई भी टाइप ऑफ पेज ले ले। अगर आपने अब तक नहीं सीखा है कि कैसे फोटोशॉप में पेजेस लिया जाता है आपके वर्क के मुताबिक, तो हमारा जो पहला लेक्चर है उसे ज़रूर देखें जहाँ पर हमने सिखाया है कि कैसे आप पेजेस ले सकते हैं और सारे पेज को हमने डिस्क्राइब करके बताया है। और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, बिकॉज हम हमेशा आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो अगर आप इन सारे वीडियोज़ का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो दोस्तों यहाँ पर हम ले लेते हैं, ऐसे करते हैं वेब पर चलते हैं, यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ 1920x1080 फुल HD पेज। सो ये हमारा देखिए ये पेज आ गया, ये एक फुल HD पेज है। यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं लेयर्स। ये जो ऑप्शन आप देख पाएंगे अच्छी तरह से मेरे राइट साइड में, इसे हम कहते हैं लेयर। यहाँ पर लिख कर आ रहा है आर्टबोर्ड 1, क्लोज करेंगे। और अगर आप लेते हैं एक फ़ोटो का पेज तो इस पर आर्टबोर्ड आपको लिखकर नहीं आएगा, तो मैं ऐसे करता हूँ अगर आपके पास जूना वर्जन है फ़ोटोशॉप का तो वहाँ पर आपका आर्टबोर्ड लिखकर नहीं आता है। ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है 2018 CC, इसलिए आर्टबोर्ड ऑप्शन था वहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई आर्टबोर्ड ऑप्शन नहीं है, तो मैं ज़रा बिना आर्टबोर्ड के ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों लेयर की अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लेयर काम आता है कि जब भी आप फ़ोटोशॉप पर काम करते हैं अपने फ़ोटोज़ को लेकर, तो जिसी भी लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी एक्टिव लेयर को आप एडिट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक फ़ोटो लेता हूँ, चलिए एक मैं फ़ोटो लेने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्लेस एम्बेडेड, यहाँ से मैं कोई भी एक फ़ोटो लेता हूँ, ऐसे करते हैं हम चलेंगे ई ड्राइव इमेजेस, यहाँ पर मैं चला जाता हूँ स्टूडेंट्स इमेजेस और बॉलीवुड, यहाँ पर मैं समझिए ये फ़ोटो ले लेता हूँ, प्लेस करेंगे इसे, थोड़ी अच्छी फ़ोटो ले लेता हूँ, हॉट एंड सिजलिंग फ़ोटो लेता हूँ ताकि आपको मज़ा भी आए देखकर। सो लेट वी टेक दिस फ़ोटो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने फ़ोटो लिया है मेरे यहाँ पर राइट साइड में आप देख पाएंगे कि एक नया लेयर क्रिएट हुआ है जिस पर जो मेरा फ़ोटो है उसका नाम आया है AYE8V। इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखें ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। और अगर आप ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन हटाना चाहते हैं तो आप करेंगे एंटर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक लेयर है, अगर इस लेयर को आप रीनेम करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकिया, आयशा ताकिया इनका नाम है, मैं लेट वी एड ताकिया ओनली। एक और फ़ोटो लेते हैं, लेट वी फिर से करें प्लेस एम्बेडेड, और इस बार हम लेते हैं एक और फ़ोटो ताकि मेरे पास एटलीस्ट दो तीन फ़ोटो हो ताकि आप समझ पाए कि मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। सो लेट वी टेक ऐश्वर्या, ये हमने एक और फ़ोटो लिया, ये आप देख सकते हैं ऐश्वर्या का फ़ोटो है। अब देख सकते हैं कि ऐश्वर्या का फ़ोटो जो है वो मेरे सामने है और इसके पीछे जो है वो है आयशा ताकिया का फ़ोटो, इसे भी हम एंटर करेंगे और ऐश्वर्या को भी हम नेम दे देते हैं ASHI, ऐशी कर देते हैं ऐश्वर्या को, शॉर्टकट, ज़्यादा बड़ा लॉन्ग टर्म नेम नहीं रखेंगे। और एक और फ़ोटो मैं ले लेता हूँ सहूलियत के लिए ताकि हम फिर उनके ऊपर जो भी हम एडिटिंग करेंगे उसके बारे में हम देख पाए। तो इस बार कोई और हीरोइन जो है वो लेते हैं हम, चलिए हीरो ले लेते हैं एक, लेट वी टेक आमिर खान। सो आमिर खान का ये फ़ोटो ले लेते हैं, थोड़ी मेरे पास ओल्डेस्ट टाइप फ़ोटो है बट हम तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, फ़ोटोज़ के ऊपर हमें ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। लेट वी एड आमिर,
ओके सो अब मेरे पास यहाँ पर तीन फोटो हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज़ दी वन फोटो, पीछे ऐश्वर्या का फोटो है ये, और उसके पीछे आयशा ताकिया का फोटो है। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये काम करेगा कि आप जिस फोटो पर क्लिक करेंगे उसी फोटो पर आप एडिट कर पाएंगे। मैं आपको सिंपल टर्म में बता दूं, जो फोटो आपका सिलेक्टेड होगा आपके लेयर पर उसी फोटो पर आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे मैंने आमिर खान के फोटो को सिलेक्ट किया है, ये आमिर खान का फोटो आप देख सकते हैं, जैसे मैं मूव कर पा रहा हूँ। अगर इस पर मुझे कोई इफेक्ट देना है, जैसे मैं चला गया इमेजेस, एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, मुझे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करना है आमिर खान के फोटो का, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जब चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ आमिर खान का जो फोटो है उस पर चेंजेस जो है वो अप्लाई हो रहा है, और हमारी जो दो फोटो है पीछे वाली, जो ऐश्वर्या और जो आयशा ताकिया की है, उन पर कोई एडजस्टमेंट नहीं अप्लाई होगा। आप देख पाएंगे अच्छी तरह से आपके स्क्रीन पर जो आमिर खान का फोटो है उस पर चेंजेस दिख रही है। लेट मी कैंसिल दिस इफेक्ट, और अब मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐश्वर्या को। ये देखिए ऐश्वर्या का फोटो है, अब मेरा देखिए यहाँ पर ऐश्वर्या पे सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट अगर ऐश्वर्या की चेंज करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐश्वर्या की फोटोज पर देख सकते हैं किस तरह से चेंजेस हो रहा है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आमिर खान की जो फोटो है वो वैसे की वैसी ही है, और ऐश्वर्या की फोटो है जिस पर चेंजेस अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर लेयर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप जिस लेयर पर काम करना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है और उस पर आपको काम करना है। साथ ही साथ और भी कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, वो भी मैं आपको इसी में बताऊंगा। लेयर के बाजू में एक आई दिख रही होगी, आंख दिख रही है, अगर आप ये आंख को ऑफ कर दें तो वो जो फोटो है वो हाइड हो जाएगी। तो देखिए आमिर खान फोटो हाइड हो गई, ऐश्वर्या की फोटो पर हम क्लिक करेंगे अभी आईज पर, तो देखिए ये भी जो है छुप गई है, और आयशा ताकिया पर भी अगर आप क्लिक करें तो आयशा ताकिया भी छुप गई है। तो अगर आप किसी फोटो को नहीं देखना चाहते हैं, डिजेबल करना चाहते हैं, तो आंखों पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आयशा ताकिया की जो फोटो है वो सबसे पहले दिखाई दे, आप देख सकते हैं कि आयशा ताकिया की जो फोटो है वो है सबसे लास्ट में। अगर आप चाहते हैं उसे पहला देखना तो उस लेयर को उठाकर सबसे ऊपर ड्रॉप कर दे, यानी कि छोड़ दे। तो आप किसी भी लेयर को उठाकर कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, उनके मुताबिक उनका जो ऑर्डर है वो अरेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड के नीचे आप नहीं रख पाएंगे, बिकॉज बैकग्राउंड के नीचे आप कोई भी लेयर नहीं डाल सकते हैं। बैकग्राउंड जो है वो फिक्स रहेगा एक एक वाइट कलर के साथ, या आप चाहे तो बैकग्राउंड पर कुछ भी बना सकते हैं। जो भी आप बनाएंगे बैकग्राउंड पर वो फिक्स रहेगा एट द लास्ट, उसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं, याद रखें। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया किस तरह से आप मूव कर सकते हैं। अब अगर आप कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आपको कुछ लिखना है या कोई इफेक्ट ड्रॉ करना है, एनी काइंड ऑफ थिंग अगर आप चाहते हैं, तो हम बहुत बार नया लेयर भी बनाते हैं। जैसे कि समझिए मुझे एक बॉक्स बनाना है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कैसे आप रेक्टेंगल मार्की टूल लेकर बॉक्स बना सकते हैं। तो देखिए मैं एक रेक्टेंगल मार्की टूल लेता हूँ, ये समझिए मैंने एक सिलेक्शन ड्रॉ किया है, कंट्रोल डी डिसलेक्ट, फिर से देखें ये सिलेक्शन मैंने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर मुझे ऐड करना है एक कलर, तो मैं एक कलर लूँगा ये वाला रेक्टेंगल मार्क्यू, और हम इस बॉक्स में कलर ऐड करेंगे। तो अगर आप नया लेयर लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है उसे आप प्रेस करें, और ये आपका आ गया है। अब यहाँ पर आप ऑल्ट डिलीट प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट दो बार डिलीट, सो यहाँ पर आपका जो कलर है वो ऐड हो गया है आपके कोरल, जो कलर है वो ऐड हो गया है आपके फोटोशॉप पर। आप चाहे तो दूसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप चले जाए वाइट को मैं चेंज करता हूँ रेड में, और कंट्रोल डिलीट दबाए तो देखिए ये रेड कलर ऐड हो गया, और ऑल्ट डिलीट दबाए तो ये आपका जो दूसरा कलर है लगभग पिंकिश टाइप वो ऐड हो गया है। और ज़रा सिलेक्शन हटा देते हैं, कंट्रोल डी करेंगे। दोस्तों अगर ये शॉर्टकट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो हमारा जो लेक्चर है पिछला ज़रूर देखें, जहाँ पर हमने शॉर्टकट के ऊपर कुछ डिस्कशन किया है, जहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे आप कलर ऐड कर सकते हैं, कलर निकाल सकते हैं, डी सेलेक्ट क्या होता है। ज़रूर चेक करें हमारे पहले पिछले लेक्चर्स जो मैंने बनाए हैं, बिकॉज अगर आपने फोटोशॉप के पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो शायद इसमें आपको कन्फ्यूजन ज़रूर होगा समझने के लिए। सो यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए आप उस ऑब्जेक्ट को हिला सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं उसे हिलाकर, क्योंकि आपने इसे अलग लेयर पर बनाया है। अगर आपने ये ऑब्जेक्ट आयशा ताकिया के ऊपर ही बनाया होता, यानी कि इसी लेयर पर बनाया होता, और अगर आप हिलाने की कोशिश करते हैं इस बॉक्स को, तो आयशा ताकिया भी साथ में मूव होती। मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से ये जो चीज़ है वो
काम करती है। ज़रा हम डिलीट करेंगे हमारे इस लेयर नंबर वन को, तो आप इसे पिक करें और डस्टबिन में ड्रॉप कर दें तो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से फ़ोटोज़ को एडिट किया जाता है, यानी कि मैंने जैसे एक बॉक्स बनाकर कलर ऐड किया था अलग से लेयर पर, मैं अब आयशा ताकिया के लेयर पर ही ऐड करना चाहता हूँ। बट यहाँ पर आप जो लेयर है उनको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, रीज़न ये है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने बॉक्स बनाया, मैं प्रेस करूँगा डिलीट ऑप्शन। जैसे ही मैं डिलीट दबाऊंगा, देखो यहाँ पर लिख कर आए, कुड नॉट कम्प्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। यहाँ पर लिखा गया यह है कि आपकी जो लेयर है वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और उसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। आप देख सकते हैं लेयर पर लिख कर आ रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। ये जो छोटा सा आप एक लोअर कॉर्नर पर देख सकते हैं, एक जो डिज़ाइन दिया गया है एक एक पेजेस जैसा, वो एक स्मार्ट लेयर का सिंबल है। तो आपको अपने लेयर को सबसे पहले स्मार्ट लेयर से हटाना होगा। तो आप कैसे करेंगे, राइट क्लिक करें और यहाँ पर रेस्चराइज लेयर करके लिख कर आ रहा है, आप देख सकते हैं। राइट क्लिक करें आयशा ताकिया के लेयर पर और देखिए रेस्चराइज लेयर लिख कर आ रहा है। जैसे ही आप उसे दबाएंगे, ये मैंने दबा दिया, तो अब आपका जो लेयर है वो स्मार्ट लेयर से हट चुका है। नीचे देख सकते हैं आमिर और ऐश्वर्या की जो लेयर है उन पर स्मार्ट सिंबल आपको दिख रहा होगा लोअर एंड पर, बट आयशा ताकिया पर ऐसा कोई सिंबल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अब आप आयशा ताकिया की फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। अब अगर देखिए, अगर आपने सेलेक्ट किया, अगर आप प्रेस करें डिलीट, तो देखिए ये हो जाएगा डिलीट। अंडू करेंगे और अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और कलर ऐड करेंगे यहाँ पर, ये ठीक है, कंट्रोल डी। अब मैंने कलर ऐड कर दिया, अब हम लेंगे मूव टूल और अगर अब मैं इस बॉक्स को मूव करने की कोशिश करूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो आयशा ताकिया की जो फ़ोटो है वो भी मूव हो रही है साथ में। सो दोस्तों, हमेशा जब भी आप काम करें, कुछ बनाएं, कोई डिज़ाइन, सर्टन थिंग, तो हमेशा याद रखें हर एक एलिमेंट को अलग अलग लेयर में, अलग अलग लेयर पर ही रखें, बिकॉज इससे आप अपने सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली आप एडिट कर पाएंगे। सो अब यहाँ पर अगर आपने सोचा कि मुझे ये बॉक्स को आधा करना है, और अगर आप इसे सोच रहे हैं कि सिलेक्ट करके अगर आप डिलीट दबाएंगे, तो याद रखें कि आयशा ताकिया की जो फ़ोटो है उसका जो बैकग्राउंड है वो भी डिलीट हो जाएगा। सो ये आपको हमेशा याद रखना है कि हर एक चीज़ जो होगी वो आपको अलग अलग बनानी है। ये मैं अंडू कर देता हूँ सब कुछ। सो दोस्तों, ये मैंने ये याद ज़रूर रखें कि अगर आप एडिट करना चाहते हैं आपकी फ़ोटो को, तो ज़रूर राइट क्लिक करें और रेस्चराइज करें, और अगर आप फिर से उसे स्मार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन भी है, जहाँ पर आप फिर से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, यानी कि अब आप इस फोटो को फिर से एडिट नहीं कर सकते हैं। ये देखिए एरर आ गया। सो दोस्तों, ये था कुछ लेयर की छोटी मोटी जानकारी जो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से हम ज़रा आयशा ताकिया की फ़ोटो को कर लेते हैं रेस्चराइज, बिकॉज मैं चाहता हूँ कुछ एडिट करना। ओके, यहाँ पर ऐश्वर्या की फ़ोटो को ज़रा लाइनअप कर लेते हैं, आमिर खान की फ़ोटो को पीछे रख लेते हैं। सो यहाँ पर आयशा ताकिया की जो फ़ोटो है उस पर मैंने क्लिक किया है, बिकॉज़ अब मुझे आयशा ताकिया की फ़ोटो पर इफ़ेक्ट चाहिए। तो ऊपर देख सकते हैं, ऊपर और भी ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेयर के कुछ मोड्स हैं, जैसे आप डिज़ोल्व रख सकते हैं, डार्कन, मल्टीप्लाई। अब जैसे जैसे उन सारे इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, वैसे वैसे इफ़ेक्ट्स आप उन फ़ोटोज़ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी फ़ोटो है आयशा ताकिया की, वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गई है, बिकॉज़ हमने लाइटन इफ़ेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ओवरले इफ़ेक्ट है। इन सब के इंडिविजुअल अलग अलग यूज़ेस हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। इनके बहुत सारे अलग अलग यूज़ है और बहुत सारी चीज़ें इन सब से बनाई जाती है, बट वो अभी हम नहीं देखेंगे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जिन्हें आप एक्टिव कर सकते हैं स्पेसिफिक लेयर्स के ऊपर। इसे नॉर्मल कर देते हैं, साथ ही साथ ओपेसिटी ऑप्शन दिया हुआ है। ओपेसिटी में आप फोटो की जो ट्रांसपेरेंसी है उसे आप थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो आयशा ताकिया की जो फ़ोटो है वो लाइट होते जा रही है। आप पूरा अगर ऑफ कर दे तो आयशा ताकिया की जो फ़ोटो है वो हो जाएगी गायब। ये देखे थोड़ी सी दिख गई, 21% दिखी और दिखी, 62-64% और दिख गई। जैसे जैसे आप परसेंटेज इंक्रीज़ करेंगे, आयशा ताकिया की फ़ोटो जो है वो और निकल कर उभर कर आएगी। सो ये है ओपेसिटी ऑप्शन। कुछ इसी तरह से फिल ऑप्शन भी है जो काम करता है कुछ ट्रांसपेरेंसी के जैसे ही। इनके भी अलग अलग यूज़ हैं जो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। सो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही, जहाँ पर हमने सीखा कि लेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है।
ज़रूर जो लेयर है उनकी प्रैक्टिस एक बार ज़रूर अच्छी तरह से कर ले आपके कंप्यूटर के ऊपर, बिकॉज़ लेयर अगर आपको अच्छी तरह से नहीं आता है तो आगे जाकर आप अच्छे अच्छे इफेक्ट्स नहीं बना पाएंगे, बिकॉज़ बहुत सारे लोग लेयर्स में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जहाँ पर उनको लेयर्स के साथ बहुत सारे काम करने होते हैं, क्या सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है, कभी कभार एडिट कुछ और करना चाहते हैं, सिलेक्शन कुछ और होता है, और कन्फ्यूजन भी होता है कि ये मेरे से हो क्यों नहीं रहा, जबकि लेयर्स की छोटी मोटी सिलेक्शन की गलतियाँ होती है। सो दोस्तों एक बार लेयर्स को ज़रूर समझ लें अपने कंप्यूटर पर, और उसके बाद हमारे सारे लेक्चर्स को देखें, और दोस्तों हमारे सारे लेक्चर्स देखें, पिछले जितने लेक्चर्स हैं, बिकॉज अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होना ही है, बिकॉज फोटोशॉप दिखने में जैसा आसान है एक्चुअली में उतना है नहीं। फोटोशॉप एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है फोटोशॉप के एप्लीकेशन के ऊपर, और आपको ये शुरू से समझना होगा। सो ज़रूर हमारे सारे लेक्चर्स देखें, और दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, हम अगले लेक्चर में बढ़ेंगे जहाँ पर मैं आपको फोटो एडिट करना सिखाऊंगा कि कैसे आप फोटो का जो बैकग्राउंड है वो आप एडिट कर सकते हैं एक वेरी बेसिक मेथड के थ्रू। सो दोस्तों इस लेक्चर को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया है, ख़त्म कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, तो हमारे लेक्चर की तरफ बढ़े। अभी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, बिकॉज़ हम हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।